और आप देख रहे हैं भारत समाचार। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। सबसे पहले प्रदेश के मुखिया, सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को, उनके 51वें जन्मदिन को लेकर के भारत समाचार की तरफ से, भारत समाचार परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। योगी आदित्यनाथ जी के बढ़ते सफलता के कदम सदैव ही ऊंचाइयों की ओर अग्रसर हों, यही भारत समाचार परिवार की तरफ से बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और देखिए, ये भी कितना बड़ा आज संयोग है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, जहाँ पर हरियाली का एक संदेशा दिया जा रहा है। तो साफ तौर पर आज तमाम सारे कार्यक्रमों के आयोजन है। और इस बीच अपने दर्शकों को बता दें, यूपी सीएम आदित्यनाथ का आज जोगा वो ग्राफिक अवतार और मुख्यमंत्री के 51वें जन्मदिन पर पुस्तक होगी रिलीज, और किताब का नाम है अजय 2 योगी आदित्यनाथ है। वहीं शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है ये ग्राफिक नोवेल, और राजधानी समेत 20 जिलों में होगी एक साथ रिलीज, और 51 स्कूलों में 5000 बच्चों की उपस्थिति में ये विमोचन होगा। तो किताब का नाम है अजय 2 योगी आदित्यनाथ। तो जो पहले का सफर और आज का सफर, उसमें एक एक चीज का जिक्र है, शांतनु गुप्ता ने इसको लिखा हुआ है, और तमाम सारे इसमें अहम पहलुओं को छुआ है, उनकी जिंदगी के अनछुए जो पहलू होते हैं इस पुस्तक में, इस मैगजीन में आप देख पाएंगे। तो जन्मदिन पर अजय 2 योगी आदित्यनाथ पुस्तक होगी रिलीज, और किताब में सीएम योगी का, जिसमें ग्राफिक अवतार एक कुछ नया का भी पुट दिया है। तो पहली बार इतने एक साथ लॉन्च करेंगे 20 जिलों में, और 51वें जन्मदिन पर इससे अच्छा तोहफा एक क्या हो सकता है। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी दर्ज होगा नाम यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ का, आज 51वां जन्मदिन, और जन्मदिन पर अजय 2 योगी आदित्यनाथ पुस्तक होगी रिलीज, किताब में सीएम योगी का ग्राफिक अवतार भी देख सकते हैं लोग। और किताब में सीएम योगी के इस अवतार के साथ ही शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई है ये ग्राफिक नॉवल। बताया जा रहा है कि उन्होंने काफी पहले से हर चीज को लेकर के, जो पुस्तक में जिसका जिक्र किया है, उस सब चीजों को लेकर के काफी पहले से मंथन किया है, और उन तमाम सारे पहलुओं को छुआ है, वो जानकारियां जुटाई गई हैं इस पुस्तक के जरिए, जो अभी तक शायद किसी को उन पहलुओं के बारे में नहीं जानकारी थी। तो पहली बार इतने लोग एक साथ लॉन्च करेंगे। अजय सिंह बिष्ट, एक बालक जो सुदूर पहाड़ों में पैदा हुआ, एक कमरे के घर में 6 भाई बहन के साथ पला। अजय बचपन से ही डिबेट में माहिर था। उसने बहुत मेहनत से पढ़ाई की और उम्र के साथ वो साहसी होता गया। युवा अवस्था में ही संन्यास लिया और अजय सिंह बिष्ट हो गए योगी आदित्यनाथ। 26 साल की उम्र में वे सबसे युवा सांसद बने और अपने धैर्य, दृढ़ संकल्प और कड़ी मेहनत से एक दिन वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने। हर बच्चे, हर युवा के लिए साहस व प्रेरणा की ये कहानी शांतनु गुप्ता की नई ग्राफिक नॉवेल हिंदी व अंग्रेजी में, अजय से योगी आदित्यनाथ तक। तो सीएम योगी के जन्मदिन को लेकर आज तमाम तरीके के कार्यक्रमों का आयोजन किया गया है, और जिसमें एक किताब का नाम है जो अजय 2 योगी आदित्यनाथ। तो शांतनु गुप्ता द्वारा लिखी गई पुस्तक आज रिलीज होगी, और 51 साल के हुए सीएम योगी आदित्यनाथ, शांतनु गुप्ता ने लिखी है ग्राफिक्स नॉवेल, और किताब में सीएम योगी का ग्राफिक अवतार भी इसमें देख सकते हैं। और ज्यादा जानकारी के लिए बात करेंगे अपने सहयोगी, अपने संवाददाता संदीप खेर के पास जाएंगे। संदीप, आज सूबे के मुखिया मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 51वां जन्मदिन है, और किस तरीके से हर तरफ खुशी का माहौल है, क्योंकि न्यू यूपी की जब हम बात करते हैं और उसी के लीडर किस तरीके से लीड कर रहे हैं, आज कई कार्यक्रमों का आयोजन है, किस किस तरीके के आयोजन है संदीप, जानना चाहेंगे? बिल्कुल आलोक, देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज 51वां जन्मदिन है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हालांकि गोरखपुर में मौजूद हैं, वहां पर उन्होंने रुद्राभिषेक किया है, पौधारोपण किया, और उसी के बाद वो तमाम कार्यक्रमों में हिस्सा भी लेंगे।
अब देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन को लेकर पूरे उत्तर प्रदेश में उत्साह है। इसी क्रम में आज अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक का विमोचन किया जाएगा। इस पुस्तक का विमोचन लोक निर्माण विभाग के मंत्री जितिन प्रसाद करेंगे। इस मौके पर सरूनी नगर के विधायक राजेश्वर सिंह भी मौजूद रहेंगे। शांतनु गुप्ता ने इस पुस्तक को लिखा है और देखिए ये पुस्तक जो है वो दो भाषाओं यानी हिंदी और इंग्लिश में लिखी गई है। इन दोनों पुस्तकों को इसके बाद मार्केट में रखा जाएगा। तमाम ऑनलाइन माध्यम से लोग इस पुस्तक को खरीद सकेंगे और ये दिखाया गया है कि इस पुस्तक में कैसे एक जो युवक है वो अपने घर से निकलने के बाद संत बनता है। संत बनने के बाद वो किस तरीके से वहां पर मौजूद रहने के बाद किस तरीके से जो उनके महंत होते हैं उनके करीब जाता है, उस गद्दी को संभालता है, सांसद बनता है और सांसद बनने के बाद वो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बनता है। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जीवन काल की उन तमाम बातों को बताया गया है जो आम लोगों को नहीं पता होगी। इस पुस्तक का विमोचन के साथ ही देखिए तमाम लोग अपने मुख्यमंत्री के बारे में जान सकेंगे कि किस तरीके से उन्होंने कांटों भरी जिंदगी को झेला है। और आज जिस तरीके से देखिए जब से उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के पद की कमान संभाली थी तब से उत्तर प्रदेश की तस्वीर बदली है। सभी को पता है कि कोरोना काल में उनको कोरोना होने के बावजूद वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से अधिकारियों को निर्देशित कर रहे थे। पिता की मृत्यु होने के बावजूद भी वो यहाँ पर मौजूद रहे कि लोगों की जिम्मेदारियों को समझ सके, वो वहाँ पर भी नहीं गए। तो ऐसे जो तमाम कह सकते हैं कि जो एक अचीवमेंट्स मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नाम रहे, चाहे अपराधियों के ऊपर कार्रवाई हो, चाहे महिलाओं को लेकर उन्होंने अपराध व्यवस्था जिस तरीके से कानून व्यवस्था को नियंत्रित किया हो, तमाम बातों का वर्णन जो है वो अजय टू योगी आदित्यनाथ पुस्तक में किया गया है। इस पुस्तक का विमोचन अब से कुछ देर में होगा और इस पुस्तक में देखिए 5000 से ज्यादा बच्चे भी मौजूद रहेंगे। एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में इसका नाम दर्ज कराया जाएगा क्योंकि इसके पहले कभी भी ऐसा नहीं हुआ है कि किसी पुस्तक के विमोचन के समय इतने लोग मौजूद रहें। पूरे लखनऊ में, पूरे उत्तर प्रदेश में कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की लंबी उम्र के लिए कोई धार्मिक अनुष्ठान कर रहा है, कोई पौधारोपण कर रहा है, तमाम तरीके के कार्यक्रम देखिए आलोक आज आयोजित किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में उत्साह है। तमाम जिस तरीके से उनके कैबिनेट के मंत्री हैं वो उनको बधाई देते हुए नजर आ रहे हैं। महिलाओं के अंदर भी देखिए एक उत्साह है। आज महिलाएं जो हैं अपने आप को सुरक्षित महसूस कर पा रही हैं। खुद महिलाओं का कहना यह है कि पहले की सरकारों में सड़कों पर निकलना दुर्भर हो चुका था, लेकिन जब से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बने हैं तब से हम अपने घरों से बेफिक्र होकर बाहर निकल सकते हैं। अब हम लोगों को सुरक्षा का जो माहौल है वो मिल पाता है। तो तमाम कार्यक्रम आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित किए जा रहे हैं। जी बिल्कुल संदीप, अगर बात करें तो तमाम सारे कार्यक्रमों का आयोजन है, लेकिन जब अजय टू योगी आदित्यनाथ जब बुक जब रिलीज होगी तो उसकी एक स्पेसिमेन कॉपी भी होगी, आप ज़रूर एक ला करके मुझे दीजिएगा, मैं उसको ज़रूर पढ़ूंगा और उसके कुछ अंश फिर अपने दर्शकों से भी शेयर करूंगा। ये मेरी आपसे गुजारिश है संदीप। अच्छा संदीप, आज ये भी देखिए कि इत्तेफाक है कि आज विश्व पर्यावरण दिवस है, आज तमाम तरीके के जो आयोजन हो रहे हैं, लोग किसी के नाम से पौधे लगा रहे हैं, तो शहर में क्या क्या कुछ कार्यक्रम है, खास करके अगर जन्मदिन के अवसर को लेकर के बात करें तो? बिल्कुल देखिए आलोक, जिस तरीके से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज सुबह सबसे पहले रुद्राभिषेक किया, जनता दर्शन में लोगों से मुलाकात करी, खुद उन्होंने वहां पर एक पौधारोपण भी किया है और उसी के साथ साथ देखिए पीएम स्वनिधि योजना का एक कार्यक्रम है, उसी के साथ साथ एक अन्य कार्यक्रम और है। यानी देखिए आज अगर देखा जाए जहाँ एक तरफ पूरे विश्व में पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है, खुद देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पर्यावरण से भी उनको भी बहुत है। कई बार वो मंचों के माध्यम से कहते हुए आए हैं कि जब तक पेड़ पौधे सुरक्षित नहीं रहेंगे तब तक हम लोग ताजी हवा नहीं ले सकते हैं। तो तमाम कार्यक्रम है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के जन्मदिन के अवसर पर जिसमें खुद भी वो आज मौजूद रहेंगे। विश्व पर्यावरण दिवस पर वो आज रेस फॉर लाइफ सर्कुलर इकोनॉमी एंड लोकल क्लाइमेट एक्शन कॉन्फ्रेंस का उद्घाटन करेंगे। तमाम कार्यक्रमों में आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ शिरकत करने जा रहे हैं। अपने जन्मदिन के लिए तो वो जरूर लोगों से बात कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, बधाई देने वालों का तांता लगाए, लेकिन उसके बावजूद भी जो उनका एक धर्म है जो देखा जाता है वो चाहे कोरोना काल की बात करें या फिर बिल्कुल जिसे वो राजधर्म का जिस वो पालन कर रहे हैं उसे जनता समझ रही है और बखूबी उस चीज को निभा भी रहे हैं। संदीप आप हमारे साथ बने रहिए, हम आपसे और भी अपडेट लेंगे, लेकिन इस बीच अपने दर्शकों को बता दें कि काशी में भी मनाया